हे गाइस, तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, अगर आपके चेस्ट पे बहुत फैट स्टोर है तो आप अपने चेस्ट का फैट कैसे रिड्यूस करेंगे, कैसे उसके अंदर शार्पनेस आएगी। तो गाइस, इस वीडियो में बताने वाला हूँ बहुत लोग गलती क्या करते हैं और बिगनर्स को करना क्या है अगर आपके चेस्ट पे फैट है। तो गाइस, वीडियो को लास्ट तक देखें, जब तक आप सही से समझ ना पाएँ तब तक आपको समझ में नहीं आएगा, तो वीडियो को एंड तक देखें, स्किप ना करें। चलिए शुरू करते हैं। हे गाइस, मेरा नाम है सुहेल और आप देख रहे हैं सुहेल फिटनेस। तो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ चेस्ट का फैट आप कैसे रिड्यूस करेंगे। अगर आपके चेस्ट पे बहुत ज़्यादा फैट है, अगर शार्पनेस नहीं है चेस्ट पे, तो कैसे आप रिड्यूस करेंगे, क्या करना होगा आपको, उस बारे में इस वीडियो में मैं इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो बने रहे मेरे साथ। तो गाइस, चेस्ट का फैट या आपके बाइसेप पे फैट है, या आपके स्टोमक पे फैट है, या आपके साइड फैट्स हैं, कोई भी फैट्स है, तो आपको किसी भी एक्सरसाइज से आपको वो फैट नहीं जाएगा। अगर आप सोचते हैं चेस्ट की एक्सरसाइज ज़्यादा करेंगे तो वो चेस्ट का फैट कम हो जाएगा, तो गाइज ऐसे नहीं होता है। गाइज, आपकी ओवरऑल बॉडी का, ओवरऑल यानी पूरी बॉडी का फैट जब रिड्यूस होगा तो आपका चेस्ट का फैट रिड्यूस होगा, आपके बाइसेप का फैट रिड्यूस होगा। गाइज, ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता कि आपके चेस्ट का फैट रिड्यूस हो जाएगा। तो उसके लिए करना क्या है आपको, थोड़ा सा वर्कआउट में चेंज करना पड़ेगा। अगर आप घर पे वर्कआउट कर रहे हो या आप जिम में वर्कआउट कर रहे हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप घर पे भी कम कर सकते हो और अपनी चेस्ट को अच्छा बना सकते हो और शार्पनेस दे सकते हो, यानी खूबसूरत आपकी चेस्ट लगेगी। तो गाइस, करना क्या है आपको, पहली बात गाइस, आपको सबसे पहले आपके जो रेपिटेशन है, अगर आप घर पे वर्कआउट कर रहे हो 15, 12, 10, वो रेपिटेशन नहीं लगाने हैं आपको। कितने रेपिटेशन लगाने हैं, कम से कम 30 रेपिटेशन। पहला सेट आपका रहेगा 30। वेट से कोई मैटर नहीं करता है, अगर वेट आपका हल्का है कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। 30 रेपिटेशन आपका पहला सेट रहेगा, उसके बाद रहेगा 25, उसके बाद रहेगा 20, उसके बाद रहेगा 18 रेपिटेशन, यानी 18 रेपिटेशन। गाइस, ये 4 सेट आपको हर एक एक्सरसाइज में करने हैं, चाहे वो आप फ्लैट बेंच लगा रहे हो, बेंच प्रेस लगाओ, चाहे वो आप डंपल फ्लाइज लगाओ या इंक्लाइन डंपल लगाओ, कोई से भी आप चेस्ट की एक्सरसाइज कर रहे हो, तो मैक्सिमम आपको 30 रेपिटेशन लगाने हैं। वेट पे ध्यान नहीं देना है, अगर आप सोचोगे वेट ज़्यादा लगाऊंगा तो चेस्ट का, तो गाइज ऐसा नहीं होता है। अगर आपको चेस्ट का ओवरऑल बॉडी का फैट कम करना है तो आपको रेपिटेशन हाई करने पड़ेंगे। सेकेंड थिंग, आपको डाइट में, अपनी डाइट में बहुत ज़्यादा डाइट को मेंटेन करना पड़ेगा, आपको फैट कम खाना पड़ेगा, कार्बोहाइड्रेट आपको कम लेने पड़ेंगे, प्रोटीन आपको हाई रखना पड़ेगा। तो गाइस, जब तक आप ये अपनी डाइट में चीज़ें नहीं करोगे तब तक आपका चेस्ट का फैट कम नहीं होने वाला है। जितने लोग भी कोशिश करते हैं कि यार 15 लगा लिए, 12 लगा लिए, बहुत हैवी वर्कआउट कर लिया और पेट से भी फैट नहीं जा रहा है, सारे फैट का खेल है आपका, सारी चीज़ों का जो मैटर है वो आया है आपकी डाइट और आपका अच्छा वर्कआउट, और क्लीन डाइट खानी है। जो भी आप समझ, क्लीन डाइट आप समझ रहे हो, अच्छा प्रोटीन खाना है, फैटी चीज़ें नहीं खानी है। तो गाइस, जब तक आप ये चीज़ें नहीं करोगे तब तक आपका फैट कम नहीं होने वाला है, चेस्ट का हो, चाहे आपका पेट का फैट हो, स्टमक फैट हो, वाइट फैट्स हो। तो गाइस, आपको पता है, जैसे कि मैंने मेरी ट्रांसफॉर्मेशन मैं करता रहता हूँ, अगर आपने मेरी ट्रांसफॉर्मेशन 3 मंथ्स की नहीं देखी है तो बायो में लिंक है, आप जाके देख सकते हो, आप जाओ आप देखो कि कैसे मैंने अपना फैट रिड्यूस किया है। बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और कोई भी क्वेरी है आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक डाल दूंगा इंस्टाग्राम का। और कोई भी आपको वीडियो, किसी भी टॉपिक की वीडियो आप चाहते हैं कि मैं उस टॉपिक की वीडियो बनाऊं, तो आप कमेंट कर सकते हो। और थैंक यू सो मच फॉर लव एंड सपोर्ट, आपका प्यार देने के लिए थैंक यू सो मच गाइज़। और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, थैंक यू सो मच गाइज़।